नमस्कार, मैं दिव्या धरोहर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। नागालैंड के मोन जिले में दिसंबर 2021 में 13 आम नागरिकों की हत्या करने के आरोप सेना के जवानों पर लगाए गए थे। इस केस में नागालैंड पुलिस की एसआईटी टीम ने अपनी चार्जशीट में 30 सैन्य कमांडो के आरोपी के तौर पर नाम भी दिए थे। इसमें एक सैन्य अधिकारी और 29 कमांडो शामिल बताए गए। इनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कहा गया, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने मुकदमा चलाने से इनकार कर दिया है। नागालैंड पुलिस ने मोन सेशन कोर्ट को यह जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार द्वारा पान मसाला और तंबाकू पर अस्थायी रोक लगाने को लेकर सुनवाई हुई है। बहस के दौरान खुलासा हुआ कि कानून की पकड़ से बचने के लिए दोनों अलग अलग पैक करके बेचे जाते हैं। उसके बाद पुड़िया खुलती है, मिक्स होती है और फिर चबाने वाले की सेहत खराब करती है। पान मसाला और तंबाकू मिक्स होने के बाद ये गुटखा हो जाता है, जो कि मुंह में कैंसर की वजह बन सकती है। भारत में होने वाले G20 समिट को लेकर पाकिस्तान पहले ही आक्रोशित था। वहीं अब जब भारत ने यह ऐलान किया है कि G20 सम्मेलन की मीटिंग जम्मू कश्मीर में ही होगी, तो पाक बौखला गया है। पाकिस्तान ने इसे अवैध कब्जा बनाए रखने के भारत के प्रयासों का एक हिस्सा बताते हुए आलोचना की है। वहीं इस मुद्दे पर भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वहां पर G20 समिट का आयोजन स्वाभाविक बात है। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप अपने यूजर्स की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर हमेशा काम करती रहती है। ऐप अक्सर यूजर्स को भरोसा दिलाती कि वे उसके सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर है। इसके लिए ऐप कई फीचर्स भी लेकर आती है, जैसे कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन, 2FA और ग्रुप प्राइवेसी कंट्रोल। अब एक बार फिर से मेटा ने अपने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के लिए कई नई सिक्योरिटी फीचर्स की अनाउंसमेंट की है। कंपनी ने 3 नए सुरक्षा फीचर पेश करके एक लिस्ट भी जारी की है। जहां तक फीचर्स के रोल आउट होने के सवाल है, इस पर व्हाट्सएप का कहना है कि आने वाले महीनों में ये फीचर्स सभी यूजर्स के लिए रोल आउट हो जाएंगे। अब रेलवे ने माननीयों के लेटर पैड मान्य नहीं होंगे और न ही इसकी सहायता से रिजर्वेशन मिलेगा। पूर्व मध्य रेल सहित ऑल इंडिया रेलवे स्तर से मंत्री सांसद समेत सभी माननीयों के हाई ऑफिशियल्स कोटे को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है। बता दें कि फैक्स की व्यवस्था की जगह मेल सिस्टम को अपनाया गया है। दुनिया भर में फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। आईपीएल की सफलता के बाद पिछले कुछ सालों में वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में फ्रेंचाइजी लीग शुरू हुई है और सफल भी रही है। इसी साल यूएई और दक्षिण अफ्रीका में T20 फ्रेंचाइजी लीग शुरू हुई है। इन लीग्स को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। इस बीच सऊदी अरब की सरकार भी अपने यहाँ दुनिया की सबसे महंगी T20 लीग सेटअप कराना चाहती है। इसके लिए उसने आईपीएल फ्रेंचाइजी मालिकों के साथ बातचीत भी की है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार असद अहमद और सूडर गुलाम के एनकाउंटर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अधिकारियों की तारीफ भी की। इसके साथ ही सीएम ने कानून व्यवस्था पर बड़ी बैठक भी बुलाई है। सीएम योगी ने यूपीएसटीएफ की सराहना भी की है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने इस एनकाउंटर की जानकारी सीएम को दी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा कि देश के कई शहरों में सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत के बाद रेल मंत्रालय कम दूरी के बड़े शहरों को भी मेट्रो रेल नेटवर्क से जोड़ने की योजना पर काम कर रहा है। रेल मंत्री ने कहा है कि वंदे मेट्रो दिसंबर तक तैयार हो जाएगा। G20 के सदस्य देश इस बात पर सहमत है कि न केवल क्रिप्टो संपत्तियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए बल्कि उन्हें रेगुलेट करने के लिए भी विश्व स्तर पर समन्वित समझ की आवश्यकता होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा यह भी कहा गया है। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि समूह ने तत्परता के साथ इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी और G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान क्रिप्टो संपत्ति से संबंधित मामलों का एक संश्लेषण पत्र लाया जाएगा, जो भिन्न विचारों की अभिव्यक्ति करेगा। वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने गुरुवार को पब्लिक सेक्टर के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुख के साथ बैठक की। बैठक के दौरान जोशी ने उनसे जन सुरक्षा और मुद्रा योजना जैसे विभिन्न वित्तीय समावेशों योजनाओं को बढ़ावा देने का आग्रह भी किया है। समीक्षा बैठक में पशुपालन विभाग, मत्स्य पालन विभाग, आवास और शहरी मामलों में मंत्रालय और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। रेलवे मंत्रियों को भारत दर्शन कराने के लिए भारत गौरव ट्रेन चलाया जाएगा। भारत गौरव योजना के तहत ये ट्रेन 20 मई को कोलकाता से चलकर 21 मई को समस्तीपुर पहुंचेंगी। समस्तीपुर रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य के प्रबंधक चंद्रशेखर प्रसाद ने गुरुवार को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय स्थित मंथन सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत गौरव ट्रेन 5 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कराएंगी। ये 12 दिन का टूर होगा। उन्होंने बताया कि 14 कोच वाले इस ट्रेन में 7 स्लीपर, 3 एसी, 3 एक सेकेंड क्लास एसी कोच, 1 पेंट्री कार और 2 SRR शामिल है। करीब 4 दशक पहले तक न तो किसी बकरी की नस्ल का नाम था और न ही रंग। ये सभी मिश्रित नस्लें थी। उनके रंग भी मिले जुले थे। इनकी नस्लों को अलग करने पर विचार किया गया, क्योंकि बिना इसके उनकी पहचान और कौन सी नस्ल कितना दूध व मीट देगी ये बताना काफी मुश्किल था। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा ने कार्य शुरू किया तो अब तक 37 नस्लों को नए नाम व रंग से अलग पहचान दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में अभी से ही जुट गए और इस कड़ी में वह विपक्षी नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कवायद भी शुरू कर दी है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात और उसके बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद यह इस बात का संकेत और सबूत है कि नीतीश कुमार न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि कांग्रेस से विरोध करने वाले आम आदमी पार्टी को भी विपक्षी मुहिम में अहम किरदार मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी पुलिस अधीक्षक या सुरक्षा बल के कमांडेंट को ठोस आधार के बगैर इसकी निगरानी और नियंत्रण वाले क्षेत्र के हर अपराध या भूल के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। यह कर्तव्य के निर्वहन के सिद्धांत का चरम व बिंदु का विस्तार होगा। जस्टिस कृष्णा मुरारी की पीठ ने राष्ट्रपति पदक से सम्मानित बीएसएफ कमांडेंट बीएस हरि को दी गई 10 साल की सजा को रद्द कर दिया है। उन्होंने यह सजा फिरोजपुर सीमा पर प्रतिबंध सामग्री की बरामदगी के मामले में हुई थी। इटली में हुए एक रिसर्च में पाया गया है कि अगर आपका खान पान दुरुस्त है तो आपको कोविड का खतरा कम रहता है। इतना ही वैक्सीनेशन के बाद यह दिखने वाले असर को भी कम करता है। इस रिसर्च में कोरोना वैक्सीन और सप्लीमेंट्स के बीच संबंध पाया गया। शोधकर्ताओं का मानना है कि ओमेगा 3 और मिनरल्स जैसे सप्लीमेंट्स कोविड में आपकी रक्षा कर सकते हैं। आपकी डाइट में अगर कुछ सप्लीमेंट शामिल है तो वैक्सीन लगने के बाद दस्त और मितली जैसी समस्याएं भी नहीं होती है या आसानी से इसे कम किया जा सकता है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख सामने आने के बाद चुनाव आयोग अवैध धन और अन्य सामान के परिवहन पर लगाम लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज करोड़ों का धन अर्जित किया गया। दरअसल बेंगलुरु शहर के एसजे पार्क थाना पुलिस ने एक ऑटो के 1 करोड़ की नकदी बरामद की है और उन्होंने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाए जा रहे पोस्टरों की चर्चा आजकल जोरों शोरों से है। पहले राजधानी दिल्ली में ये पोस्टर लगे और अब पंजाब में इस पोस्टर पर बवाल शुरू हो गया है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ने बीते दिनों अपने हाथों से एक पोस्टर लगाया था जिसमें लिखा था मोदी हटाओ देश बचाओ। यह पोस्टर लगाते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। तस्वीर वायरल होते ही मंत्री हरभजन सिंह की मुसीबतें बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को असम की राजधानी गुवाहाटी में एम्स का उद्घाटन किया। उन्होंने पूर्वोत्तर के पहले एम्स को देश को समर्पित किया। इसके अलावा उन्होंने 3 अन्य मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन किया है। इसमें गुवाहाटी स्थित कोकराझार नलवारी और नगांव महाविद्यालय और चिकित्सालय शामिल है। एम्स गुवाहाटी की आधारशिला मई 2017 में पीएम मोदी ने ही रखी थी। इसे 1120 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। इसके अलावा पीएम ने असम को 14,300 करोड़ रुपए की सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में शुक्रवार को कहा कि आजकल नई बीमारी देखने को मिल रही है। मैं देश में कहीं भी जाता हूं और 9 वर्षों में हुए विकास की चर्चा करता हूं तो इससे लोगों को परेशानी हो जाती है। वे शिकायत करते हैं कि दशकों तक उन्होंने भी देश पर राज किया, उन्हें श्रेय क्यों नहीं मिलता है। श्रेय के भूखे लोगों और जनता की राज करने की भावना ने देश का बहुत अहित किया है। दिल्ली की बिजली सब्सिडी का मामला शुक्रवार को शाम सुलझ गया। उपराज्यपाल ने फाइल पर साइन भी कर दिया। उसके बाद फ्री बिजली मिलने का रास्ता साफ हो गया है। साइन करने से पहले एलजी बिजली मंत्री पर भड़क गया और नाटक नहीं करने की नसीहत भी दी है। टाटा मोटर्स ने नई टाटा कार की खरीद को औसत 0.6% महंगा कर दिया। ये सब कार के मॉडल और वेरिएंट पर निर्भर करता है। हालांकि जो ग्राहक अप्रैल 2023 में कार बुक करते हैं उन्हें बढ़ी कीमत का असर नहीं होने वाला है क्योंकि भरे हुए दाम 1 मई 2023 से लागू होंगे। इससे पहले जनवरी में ही कंपनी ने अपनी गाड़ियों के दाम में 1.2% इजाफा किया था। जापान का हुक्तो 8 एक्सप्रेस क्राफ्ट 25 अप्रैल को चांद पर लैंड करने की कोशिश में है। जापान का निजी लूनर लैंडर फिलहाल चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। यह मंगलवार 25 अप्रैल दोपहर 12:40 पर ईडीटी चांद पर लैंडिंग की कोशिश करेगा। स्पेस क्राफ्ट बनाने वाली कंपनी आई स्पेस के मुताबिक लैंडिंग की अल्टरनेट तारीखें 26 अप्रैल 1 मई और 3 मई है। देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आज 133वीं जयंती है। हर साल 14 अप्रैल को उनके जन्म दिवस मनाए जाते हैं। इस अवसर पर पूरा देश आज बाबा साहेब को याद कर रहा है। इस खास मौके पर कई जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। संसद भवन परिसर में भी बाबा साहेब की जयंती पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस दौरान देश के तमाम नेता और बड़े नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा पीएम मोदी ने भी भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सरकार के माध्यम से सरकारी योजना मेला पहल शुरू करने का फैसला किया है। इसके अनुसार हर जिले में सरकारी योजनाओं का मेला का आयोजन किया जाएगा। सीएम शिंदे ने बताया कि इन सरकारी योजनाओं का लाभ कम से कम 75,000 हितग्राहियों को दिया जाएगा। कंगना रनौत ने किसी भी मुद्दे पर अपना रिएक्शन देने से चूकती नहीं है, चाहे वो फिल्मों को लेकर हो या फिर राजनीति को लेकर या फिर कानून व्यवस्था को लेकर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से खुश होकर कंगना ने उन्हें अपना भाई बताया है। कंगना का ये रिएक्शन सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मिसाल कायम करते हुए एक रिटायर्ड जिला जज को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की है। यह अपने आप में अनूठी बात है क्योंकि आम
तौर पर रिटायरमेंट के बाद नियुक्तियां नहीं होती है। कॉलेजियम ने पाया है कि जिस दिन जगह खाली हुई थी उस दिन जज रिटायर नहीं हुए थे और वह इस पद के दावेदार थे। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने आज भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजय वर्गीय पर जमकर हमला बोला है। विजय वर्गीय ने बीते दिनों महिलाओं के कपड़े को लेकर बयान दिया था, जिसको लेकर ही आज महुआ उन पर कटाक्ष किया। कैलाश विजय वर्गीय ने हाल ही में कहा था कि आजकल कुछ लड़कियां बेहद छोटे और गंदे कपड़े पहनती है, जिससे वो सिर्फ नखा लगती है। मोइत्रा ने उनके इस बयान पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा नेता ये समझ लें कि हमारे कपड़े नहीं, उनकी सोच काफी छोटी है। एनसीईआरटी की 11वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक से मौलाना अबुल कलाम आजाद का उल्लेख हटाए जाने पर शशि थरूर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पुस्तक से मौलाना आजाद का उल्लेख हटाना देश के लिए शर्मनाक है। साल 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने प्रचार के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों पर पार्टी के पोस्टर, बैनर और स्टिकर लगाए थे। इस मामले में शिकायत दर्ज की गई थी। इसके संबंध में गोवा की पीड़ना पुलिस ने आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी के गोवा प्रमुख एडवोकेट अमित पालेकर को तलब किया है। बता दें कि अमित पालेकर आज और अरविंद केजरीवाल को 27 अप्रैल को थाने में पेश होने को कहा गया है। ओडिशा की गर्मी देखकर दुनिया हैरान हो गई है। दरअसल ओडिशा के 3 कस्बों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, जिससे ये तीनों स्थान दुनिया के शीर्ष 15 सबसे गर्म स्थानों में गिनती किए जा रहे हैं। इनमें से एक तो शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, जिसमें उत्तरी ओडिशा में मयूरभंज का जिला मुख्यालय शहर बारीपदा 43.5 डिग्री सेल्सियस के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। वहीं महाराष्ट्र का चंद्रपुर दूसरे स्थान पर रहा, जहां 43.2 डिग्री तापमान है। वहीं तीसरे स्थान पर सेनेगल में कोल्डा, जहां 43 डिग्री तापमान रहा। बता दें कि इन स्थानों पर रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रविशंकर एमडी, साकिर हुसैन, राजू कुमार रजक, नुन्नू गोलू कुमार, अनवर करीम खान, संजय चौधरी एमडी, अनवर आलम, नौसाद रजा, लव बैठा, अकबर अंसारी, त्रिलोक कुमार, अंशुप्रिया और कौशलेंद्र कुमार सिन्हा। बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, गर्मी से बचाव के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।